जय प्रभु राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी। दोस्तों, राम मंदिर के बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। कई सारे सोसाइटीज़ ने इस दिन को एक दिवाली की तरह साजरा किया है। मैं आपको ज़रा बता दूं कि सोसाइटी में ये सब कैसा हुआ है और मैंने इसे कैसे साजरा किया। तो तोरण, दिए, जैसे मोदी जी ने कहा था, दो दिए लगाइए। इसके बाद आप ये खुद भी घर पे ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर हो सके तो। देखिए, बालकनी में दिए रखिए, बहुत प्रसन्न लगेगा। कुछ दिए आप तुलसी के सामने, तो एक तुलसी माता के सामने एक दिया ज़रूर लगाइए। सोसाइटी में बहुत अच्छा फंक्शन हुआ हमारे, आपके भी सोसाइटी में हुआ होगा। अभी तो यानी फंक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ, कुर्सियाँ वगैरह हम उठा के रख देते हैं, तो दैट्स ग्रेट, इसलिए आपको अभी कोई दिखेगा नहीं। आपको एक सजेशन देता हूँ, नॉर्मली घर के अंदर भी अगर आप कोई दिया लगाए ना, बहुत प्रसन्न लगता है। देखिए, मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, बहुत प्रसन्न लगता है। देखिए ज़रा वॉल के ऊपर कितना ग्लेज आ रहा है, ये और किसी तरीके से नहीं हो सकता। मैंने और हर तरीका ट्राई किया कि एम्बियंट लाइटिंग कैसे करें, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। यह एम्बियंट लाइट देखिए कितना डिम लगता है, और वही एक दिया देखिए, इसमें कितना प्रसन्नता फील होती है आपको। आप देखिए इसके पूरे आस पड़ोस में आपको बहुत प्रसन्न लगेगा, वो कोना एकदम जगमगा उठेगा। ड्राई बालकनी में मैंने रखा है एक, ये भी बड़ा प्रसन्न लगता है। तो ये अगर आप देखें, काफी अच्छा, यानी एक प्रसन्न वातावरण लगता है अगर आप दिए लगाओ घर में। तो बेडरूम के लिए तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार इतनी अच्छी मेरी बेडरूम आज तक कभी नहीं लगी। देखो, पूरे घर में जितनी रोशनी होनी चाहिए उतनी रोशनी है, केवल दो दिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, केवल दो दिए। और ये खैर एलईडी अगर बंद भी कर दे तब भी ये दिए बहुत प्रसन्न फील कराएंगे आपको। देखिए, मैं एलईडी बंद भी करके दिखाता हूँ आपको। सपोज ये भी एलईडी बंद करते हैं, बाहर की भी बंद करते हैं, केवल दियों के रोशनी में देखिए घर कितना प्रसन्न लगता है। आपको अकेलापन नहीं लगेगा, सिर्फ दिए लगे हैं और कुछ भी नहीं, आपको अकेलापन नहीं लगेगा। इट इज अमेजिंग, बहुत यानी हैप्पी फीलिंग हो रही है। फिर जो आपका दूसरा बेडरूम होगा, यहाँ पे भी आप दिए जलाइए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये कितना प्रसन्न लगता है रूम अगर दिए होंगे तो। सो मेरा भी आपसे यही आह्वान होगा कि आज के दिन, बिल्कुल आज की रात आप दिवाली की रात समझकर सेलिब्रेट कीजिए। 500 वर्षों के बाद फाइनली ये पावन अवसर आया है। हमारे सोसाइटी में भी बहुत कुछ किया है, अगर आप देखें यहाँ पे उन्होंने श्री राम लिखा था दियो से, तो वेरी नाइस यार। बहुत सारे सोसाइटीज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड इट फील्स रियली नाइस। सो वंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके साथ रहे। जय श्री राम।